नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार का गुरुद्वारा चुनाव निर्देशालय इलेक्शन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। विशेष रूप से यह पहल उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को नॉमिनेटिव करने और विभिन्न चैनलों के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार राजनीतिक दलों और भारत के चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर जोर देता है। यह निर्णय दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 और उसके तहत बनाए गए नियमों के गुरुद्वारा चुनावों से संबंधित नहीं है। पारदर्शिता के लिए दिल्ली सरकार के गुरुद्वारा चुनाव निर्देशालय द्वारा जरूरत के मुताबिक नियमों में संशोधन के लिए निर्देशित किया गया है। बता दें कि गुरुद्वारा चुनाव में भाग लेने के इच्छुक प्रत्येक उम्मीदवार को आयोग का एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में स्पष्ट रूप से मोटे अक्षरों में उम्मीदवार के खिलाफ किसी भी लंबित आपराधिक मामले के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। जो उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने खिलाफ लंबित किसी भी आपराधिक मामले के बारे में पार्टी को सूचित करना होगा। राजनीतिक दल जनता तक पहुँच सुनिश्चित करते हुए इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए बाध्य है। सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए उम्मीदवार और राजनीतिक दल दोनों के इलाके के भीतर व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों में एक घोषणा जारी करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रदान करना आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मतदाताओं को उम्मीदवार की पृष्ठभूमि के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो।